मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं देख रहा हूँ आजकल फेसबुक पे ये जो नीन लीग वाले हैं, पीपल पार्टी वाले हैं, एएनपी वाले हैं, जेआई वाले हैं, जमीयत जमात इस्लामी वाले, जेयूआई वाले हैं, बहुत शोर लगा रहे हैं कि इमरान खान नाकाम हो गया, इमरान खान ये करता है, इमरान खान ये करता है, इमरान खान असद उमर को हटाता है, इमरान खान किसी को हटाता है, किसी को हटाता है। इमरान खान जो भी करता है वो खुद सोचता है, वो करता है, जिसको भी हटाता है खुद हटाता है, सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं हटाता। आपके लीडर जरदारी, नवाज शरीफ, गेलानी, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट से नाहल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया है। और आप लोग अभी आते हो कि उसने असद उमर को हटाया और उसने किसको हटाया। इमरान खान खुद फैसला करता है, जो भी उसको पाकिस्तान के हक में जो भी अच्छा फैसला होता है वो करेगा। ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा अच्छा आदमी है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, उसको मैं रखूँगा, हाँ पाकिस्तान का जो हालत ख़राब है, कमज़ोर है, सही है, जो भी है मैं उसको रखूँगा। ये पटवारी की जहन है, पटवारी जो होते हैं ना उसका जहन इस तरह का होता है, जो उसका दोस्त होता है वो रखता है, जो उसका बेटा होता है वो रखता है, जिसका दामाद होता है जो भी होता है वो उसको रखता है। वो अच्छे फैसले नहीं कर सकते, ये फैसले सिर्फ और सिर्फ लीडर करता है। आपके पास लीडर है, नवाज शरीफ को आप लीडर समझते हो, जो तो ईद वो जो ईद है जो दूसरे जो होते हैं जो उसकी हुकूमत होती है वो फिर पाकिस्तान में होता है, हुकूमत खत्म हो जाती है फिर वो लंदन चले जाते हैं, इनारो लगा रहे हैं, क्या आप मांगते हैं, इनारो मांगते हैं, क्या है आपके लीडर। अरे अभी आप बोलते हो कि इसने इमरान खान या असद उमर को हटा लिया, इसको ये कर दिया, ये कर, इमरान खान जो भी फैसला करता है अच्छा करता है। इमरान खान पर आप बूंगते हो, कुछ शर्म करो, बेगैरतो कुछ शर्म करो, अगर आप में शर्म होती तो आप इस तरह की बातें ना करते। इमरान खान खुद कर्जा अदा करता है, किसका लिया हुआ कर्जा वो अदा करता है खुद सोचो फिर बूंको। वो जरदारी नवाज शरीफ का लिया हुआ कर्जा अदा करता है और आप उस पर बूंगते हो, ये आपके लीडर थे जिसने कर्जा लिया था, ये आप किस तरह की कौम हो, वो ये आप यही कौम हो ना जो कसकर बेचारा वो खेत में एक दो तीन शेर पढ़ के तो फिर आपने उसको हीरो बना दिया, वो चाय वाला चाय बेचता था कैमरे के सामने आ गया तो उसको आपने अमेरिका तक पहुंचा दिया, इतना शोहरत दी। जो हमारे मुल्क में हीरो होते हैं उसको तुम लोग जीरो बनाते हो। इमरान खान को देखो, अभी आप उसको सपोर्ट नहीं करते, इमरान खान के जैसा उसकी चार पांच तकरीरें सुन के फिर आप देखो आपके जो लीडर है इस तरह की तकरीरें कर सकते हैं, क्या करते हो आप लोग। आपके जहन पर लानत हो, आपके जहन पर लानत हो, आपके आप जो सोचते हो इस पर लानत हो। ये पाकिस्तान क्यों इस तरह का हो गया, ये आपके लीडरों ने और आप लोगों ने इस तरह का ये बनाया हुआ है। अभी IMF वाले बड़े बड़े शरायत लगा रहे हैं कर्जा देने के लिए पाकिस्तान में, कुछ उसने कुछ भी उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, नवाज शरीफ की हुकूमत के बाद पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा, सारा खा लिया नवाज शरीफ के लोगों ने। जब अभी वही कर्जा इमरान खान अदा करता है तो आप लोग उस पर बूंगते हो, शर्म करो शर्म। इमरान खान जो लीडर है अच्छी बातें करता है, अच्छे पैसे ले करते हैं, उसको आप सपोर्ट नहीं करते, आप किसको सपोर्ट करते हो। वो खानदानी पार्टी है नवाज शरीफ वाली, जरदारी वाली, आप उसको सपोर्ट करते हो, नेशनल वाले खानदानी पार्टी है। ये जमात इस्लामी वाले खुद बोलते हैं हमने नवाज शरीफ को उतारा पानामा केस में, अभी बोलते ही नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है, मंगे, क्या बना रखा है आप लोगों ने। और ये फिर दूसरा जो होता है फजलुर रहमान, ठीक है आप बड़े हो, हम आपकी कदर करते हैं,
लेकिन थोड़ा कुछ ख्याल करो आप किस तरह की लोड़ा आप किसको सपोर्ट करते हो। फजलुर रहमान की सोच क्या है, उसकी सोच को देखो। पहले बेनजीर ये औरत है इसको नहीं मानते, फिर उसके कदमों में जाके उससे वजारत मांगते हैं, फिर जरदारी नहीं मानते, फिर जरदारी के पास जाते हैं वजारत मांगते हैं, फिर नवाज शरीफ ये करप्ट है फिर उसके पास जाते हैं। क्या है मना, इमरान खान जो भी करता है वो मुल्क के लिए करता है, मुल्क के लिए करता है। वो अभी तक फजलुर रहमान ने क्या कर लिया है मुल्क के लिए, क्या कुछ बनाया है? नवाज शरीफ इतना हुकूमत कर 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 के अभी तक हम आईएमएफ के पास जाते हैं, उसके पास आईएमएफ के पास नहीं जाते तो फिर आपका मुल्क नहीं चलता। सिर्फ और सिर्फ आप आईएमएफ के पैसों से चलते हैं आपका पाकिस्तान। थोड़ा इमरान खान को टाइम दो, इंशाल्लाह ये मुल्क वो चलाएगा, उसमें अहलियत है। ये जरदारी और नवाज शरीफ, ये फजलुर रहमान, ये पार्टी वाले फिर आ गए, फिर देखो ये पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। अभी जो वो पैसा ले करते उसको करने दो, हमने उसको सपोर्ट किया है, वो आया है, उसको सपोर्ट, उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो जो पैसा ले करता है वो खुद उसका सोच है। जो इमरान खान ये पैसा, उसने ये सोच के ये पार्टी बनाई थी कि मैं आके करप्शन ख़त्म करूँगा, तो अभी वो जो भी फैसला करता है सही करता है, जो भी फैसला करता है सही करता है। अभी तक पहले उसके साथ असद उमर नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी जिससे वो इस्तीफा मांगता है, जिसको वो वजारत पे लगाता है, वो उसकी मर्जी है, उसको ठीक लगा होता है वो करेगा। अभी यूटर्न करता है तो वो उसको देखेगा अगले हालात किस तरह के, वो यूटर्न लेगा। आपके लोगों की तरह तो नहीं है, आपके लीडरों की तरह। नवाज शरीफ, उसका वजीर हजाना लंदन में छुपा हुआ है, इधर असद उमर ने इस्तीफा दिया, उस वक़्त से लेकर रात तक हर टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देता रहता है, वो चुपता नहीं है, डरता नहीं है, भागता नहीं है। आपका लीडर वो हुकूमत ख़त्म करके फिर जाता है लंदन को, आपका लीडर आपके साथ ईद भी नहीं मना सकता, ईद भी आपके साथ नहीं मनाता। पटवारियों आप किस तरह की लोग हो, आपके लीडर आपके साथ ईद नहीं मनाता और आप उसको बोलते हैं मेरा लीडर है। पहला नवाज शरीफ, फिर बाद में शहबाज शरीफ, फिर हमजा शहबाज, फिर दूसरा शहबाज, फिर मरियम नवाज, फिर मरियम सफदर, भूंगते रहो और उसके पाँव में लेटते रहो, फिर जरदारी, फिर बिलावल, बेनसीर और उसके पास भी चले जाओ। इमरान खान को हम सपोर्ट करेंगे, जो भी फैसला करता है मुल्क के लिए करता है, और हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। पटवारी अभी ज़्यादा नहीं रहेंगे पाकिस्तान में, अभी लोगों में शऊर आ गया है। आप लोग जितना भी भूंग सकते हो भूंको, इमरान खान खुद जो भी फैसला करेगा वो ठीक करेगा, वो मुल्क के लिए करेगा। उसको जो भी ज़रूरत महसूस होगी ये मैं फैसला करता हूँ, वो अच्छा सोच के करेगा। पटवारी जहन नहीं है उसका, वो आलमी, वो उसका वो बड़ा लीडर है, उसका बड़ा सोच है। आप भूंगते रहो।